बोले किस ले आए? कुछ आपसी पास पास, माइक पकड़ के पास बोले। हमारा कुछ आपसी पारिवारिक जमीन, ऐसे ऐसे कुछ आपसी पारिवारिक जमीन का विवाद है। माइक माइक जी माइक ऐसे पकड़िए, जी ऐसे कुछ पकड़िए, दिखाइए कैसे। हाँ हमारा कुछ आपसी पारिवारिक जमीन का विवाद है जो परिवार के लोगों से है, और वो काफ़ी उस ज़मीन में हमको परेशान कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, माइक और पास पकड़े। वो दे नहीं रहे हैं, और कुछ शारीरिक कष्ट भी है। और और हमारे 10 साल की सिर्फ एक बच्ची है, और घर का डेवलपमेंट जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और और एक ज़मीन का हम कहीं काम कर रहे हैं, उसमें कुछ बाधा आ रही है। और यही सब बात सोच कर रहे थे। एक चीज और है, ठीक है। सत्यनारायण जी, आपके ऊपर प्राण घातक क्रियाएं की जा रही है। आपके शरीर पर रोग और सड़न रोग बांध भी मारे जा रहे हैं। आपके भाग्य को बांधा जा रहा है, लक्ष्मी को पूरी तरह बांधा है। पति पत्नी के ऊपर उच्चाटन क्रियाएं की जा रही हैं, और विवाद चला के विवाह तोड़ने की भी क्रियाएं पुतलों के माध्यम से की जा रही है। जमीन जायदाद के भी दोष लगे हैं, वो भी आपके झमेले चल रहे हैं, और जमीन से संबंधित सारे कार्यों को बांधा गया है। आपके कुल देवी देवताओं को भी बंधन में लिया हुआ है, ठीक है। अभी विवाद तो हो रहा है क्या कुछ पति अभी पत्नी में? पति पत्नी वही, कभी वो नाराज हो जाती है या कभी हम डांट देते हैं, ये सब तो नॉर्मल सी है, वैसा कुछ बहुत कस के नहीं है। कष्ट नहीं है, मैं बहुत कस के विवाद नहीं है, कष्ट तो है ही। लीजिए 2 नंबर की किट लेकर मिले। हे माँ मातंगी, हे माँ छिन्नमस्ता, हे माँ बगलामुखी, इन दोनों के ऊपर मध्यम गात्री, विरोधी गात्री और मित्र गात्री 108 108 बार चलाएंगे। सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। अष्ट भैरव गात्री मंत्र 1008 बार इन दोनों के शरीर पर चलाएं 10 दिशाओं से। बल अस्त्र और पाश अस्त्र 1008 बार इन दोनों के शरीर पर चलाएंगे। धनालक्ष्मी बंधन मुक्ति गात्री मंत्र 1008 बार इन दोनों के शरीर पर चलाएंगे। सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। वैभव लक्ष्मी बंधन मुक्ति गात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे। गजा लक्ष्मी बंधन मुक्ति गात्री मंत्र 1008 बार इन दोनों के शरीर पर चलाना है। सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। सत्यनारायण के ऊपर जो प्राण घातक क्रियाएं की गई है, जितने पुतले बनाए गए, हांडी भेजी गई है, मुठ क्रियाएं की गई है और बाण मारे गए, रोग बाण, ये सभी क्रियाओं की सामग्री उठा कर लाएंगे। जितनी भी पूजा सामग्री इस्तेमाल की गई है, मसान में, नदी के किनारे, पत्थर के नीचे जो दबा के रखी हुई है, पेड़ में लटका कर रखी हुई है, ये सभी क्रियाओं की सामग्री उठा कर लाएंगे। सत्यनारायण के ऊपर जो सड़न बाण रोग मारा गया, जिससे शरीर सड़ता चला जाए, जगह जगह जख्म हो जाए और पूरा शरीर वहां से सड़ने लगे, इसके लिए जो क्रियाएं की हुई है, सड़न क्रियाओं की बाण, सड़न क्रियाओं के ऊपर इस्तेमाल की गई चर्बी, सड़न क्रिया के लिए इस्तेमाल, बाण के लिए इस्तेमाल किया गया भैंस के पैर के हड्डी का बाण, वो उठा कर लाएंगे। बेत के लकड़ी का तीर, वो उठा कर लाएंगे। लक्ष्मी को पूरी तरह से बांधा गया है सत्यनारायण के, उसको पूरी तरह से काटेंगे माता रानी। विवाद में फंसाने के लिए जो क्रियाएं की गई, और पति पत्नी को अलग करने के लिए जो क्रियाएं की गई है सत्यनारायण की, उसको काटेंगे। सत्यनारायण के कुल देवी देवताओं को बंधन मुक्त करेंगे और कुल देवी को बंधन मुक्त करेंगे। अरविंद जी के ऊपर जो क्रियाएं करके रखी हुई है, वो पूरी तरह से काटना है। इनके ऊपर पत्नी का दोष लगा हुआ है, उसे पूरी तरह से नष्ट करेंगे। लक्ष्मी बंधन के सभी बंधनों को काटना है। मसान की क्रियाएं इनके ऊपर की हुई, इनके शरीर पर, इनके मांसपेशियों पर, इनके दिमाग पर, इनके बुद्धि पर, जितने भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकिनी शाकिनी बैठे हुए पूरे 600 700 सबको पकड़ लेंगे और सबको निकालकर हवन कुंड के मध्यम भाग में किलित करेंगे। इनके पेट में खिलाई पिलाई गई जितनी चीजें, वो निकाल दी जाए। पराई स्त्री का मोह जो इनके दिमाग में घूमता रहता है, उसे भी निकाल लिया जाए, पूरी तरह से पूरी तरह खींच लिया जाए। पति पत्नी का विवाद, उग्र स्वभाव, उग्र मसान की वजह से जो चलता है, उसे पूरी तरह से नष्ट करेंगे। इन दोनों के शरीर के ऊपर आप तीनों ही माता रानियों का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे, 10 दिशा बंधन वाला। आप तीनों ही माता रानी इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे। धन आगमन के 10 द्वार पूरी तरह खोलेंगे इन दोनों के जीवन के। वैभव के 10 मार्ग खोलेंगे, प्रगति के 10 मार्ग खोलेंगे और सुख शांति और आरोग्य के 10 मार्ग इनके जीवन में खोल देंगे। हेलो, आपको 501 501 उतारा है, आपको 701 701 उतारा है, 10 दिशा।